नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे यस बी उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करें और केवाईसी कैसे अपडेट करें और पर्सनल डिटेल कैसे फिलअप करें। उसके बाद में अपने मोबाइल से लेफ्ट और राइट साइड का लिंक कैसे बनाएं, जो किसी को भी आप डायरेक्ट भेज के और उसकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम सीधा चलते हैं डैशबोर्ड पर और वहाँ देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। तो साथियों, सबसे पहले हमें चले आना है हमारे क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पे आपको क्या करना, अपनी आईडी, जो आपका आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, नीचे जो आपका पासवर्ड है वो डालेंगे, उसके बाद में साइन इन कर देंगे। तो ये आपको दो बार करना पड़ेगा, जैसे आप लॉग आउट किए और उसके बाद फिर से आपको वही आईडी फिलअप करके यहाँ पर साइन इन कर देना है और कुछ इंतज़ार के बाद आपकी आईडी ओपन हो गई है, उसके बाद कंटिन्यू कर दिए। अब आपकी आईडी ऑलरेडी खुल चुकी है, इस तरह से आपकी आईडी खुल जाएगी। फिर क्या करना, आपको थ्री डॉट पे जाना है, उसके बाद में पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एडिट पर्सनल डिटेल आता है, यहाँ आप क्लिक करेंगे दो बार, आपका पर्सनल डिटेल इस तरह से ओपन हो जाता है। तो आईडी, फिर नेम, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे। इस तरह से आपको डिटेल डालने के बाद में रिक्वेस्ट को सेंड कर देना है, आपका 2 से 3 दिन के अंदर में ये पर्सनल डिटेल क्लियर हो जाती है। और उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो इमेज जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से कैमरे का और फाइल का आइकन आ जाता है, उस पर क्लिक करके अपने सुविधा के अनुसार आप अपने पिक्चर को यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्सनल डिटेल। उसके बाद में हम चलते हैं, फिर से थ्री डॉट पर जाएँगे और पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद एडिट बैंक डिटेल्स पे जाएंगे। एडिट बैंक डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम, अकाउंट नंबर जो भी है ये सारा कुछ डालने के बाद में आईएफएससी कोड, उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है आपका पैन कार्ड नंबर, फिर पैन कार्ड का जो पिक्चर होती है फ़ोटो उसको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे चेक आता है, बैंक का पासबुक या चेक, आपको ये सिलेक्ट करना है, क्रॉप नहीं करना है, उसको कभी भूल के भी क्रॉप नहीं करना है। ये करने के बाद जैसे वन टाइम आप रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं, कुछ समय में आपकी केवाईसी अप्रूवल हो जाती है। और नेक्स्ट फिर हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको हम बताते हैं कि कैसे आप अपना लेफ्ट और राइट साइड का लिंक को आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कहीं पर भी आप अपने लिंक को किसी पे भी शेयर करके वहाँ से ज्वाइनिंग आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सीधा आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। बस आपको क्या करना, जहाँ पर ये देखिए ऊपर में यहाँ क्लिक करना है या शेयर का निशान बना होगा उस पर क्लिक करना है। जैसे ये शेयर के निशान पे क्लिक कर दिए, अब क्या हुआ, आपको सीधा जाना है आपके व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप पे गए कहीं भी किसी को भी जिसको आप भेजना है आपको, उनको यहाँ पे जाके आप सीधा क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ किया और ये लिंक मैंने शेयर कर दिया। तो ये हो गए हमारी लेफ्ट साइड की लिंक। अब इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। टिक का निशान करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इस तरह से आपको क्या करना है, फिर से आपको इसी डैशबोर्ड पे आ जाना है अपने, और जैसे आप डैशबोर्ड पे आते हैं इसको बैक करने के लिए फिर से आप इस पर क्लिक करें और फिर आपकी आईडी दो बार जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी
ये कंपनी का सिक्योरिटी फीचर है, इसके लिए दो बार क्लिक करना होता है, फिर कंटिन्यू कर दिए। अभी हमने बताया था लेफ्ट साइड रजिस्ट्रेशन का, अब राइट साइड में भी सेम प्रोसेस आपको करना है। इस पर क्लिक किया और कुछ नहीं करना, बस ऊपर में जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया कॉपी का और शेयर का निशान है, मान लीजिए कॉपी आपने कर लिया। अब इसके बाद में फिर क्या करना है, फिर से आपको आ जाना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। अब फिर ये राइट साइड का भी लिंक आपका तैयार हो गया। जिसको आपको लेफ्ट में ज्वाइन कराना है उसको लेफ्ट के लिंक भेजिए, जिसको राइट में ज्वाइन कराना है उसको राइट में, राइट के लिंक को आपको शेयर कर देना है। तो जैसे मान लीजिए अभी फिर हमने ये ओपन किया, उसके बाद में यहाँ क्लिक किया, नेक्स्ट किया, ये देखिए राइट का होम ओपन हो गया। अब यहाँ पे सिंपल अपना फुल नाम कैपिटल में डाल देना, मेल फीमेल सिलेक्ट सामने कर देगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और कंट्री, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया और पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, वन टाइम आपकी आईडी पड़ जाएगी। तो साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताना हमें।